हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पुष्कर, और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल गेमिंग। और तो मेरे भाई लोग यार, कैसे हो सभी की सभी लोग। तो यार, आज की वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं अपने न्यू टॉप अप इवेंट के बारे में, अभी मजा आएगा ना वीडियो, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट करके मुझे बोल रहे थे कि ये नया टॉप अप इवेंट कौन सा आने वाला है। तो गाइस, आज की मैं बताऊंगा क्या ही मस्त सा न्यू टॉप अप इवेंट आने वाला है, उसके बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। साथ साथ गाइस, हम बात करने वाले हैं न्यू M17 की स्किन के बारे में। आपने बिल्कुल ही सही सुना भाई लोग, यार काफ़ी जल्दी आपको कुछ ही दिनों के अंदर न्यू M17 की स्किन देखने को मिलने वाली है, लेजेंडरी ग्रीन कलर की। तो भाई उसका लुक दिखाऊंगा, उसका सब कुछ निकाल के दिखाएंगे, सब कुछ उसका दिखाने वाले कौन से इवेंट में आने वाली है। और कल भी आ सकती है वो स्किन, आपने बिल्कुल सही, कल भी आ सकती है, कैसे आ सकती है वो भी यार आपको उस वीडियो में बता दूंगा। तो यार वीडियो पूरा देखना स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, अगर आप छोटा सा ही पार्ट मिस करते हो तो मेरे भाई लोग यार काफी कुछ आप मिस कर दोगे। तो यार अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बगल में जो एक बेल आइकन आ रहा होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दो, जिससे मेरी हर एक वीडियो की यार नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सिर्फ हमें यार 200 सब्सक्राइबर चाहिए अपने को यार 251K हिट करने के लिए। तो प्लीज जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो भाई लोग यार, जो पहला यहाँ पे टॉप अप इवेंट निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है, जिसके स्क्रीन पे फोटो देख सकते हो। इसमें आपको यार एक डायमंड में देखने को मिल रहा होगा ग्रेनाइट की स्किन, साथ में 300 डायमंड का जिससे हम उतरते हैं उसकी स्किन देखने को मिल रही होगी। तो गाइस, जो इससे उतरते हैं मैं, उसकी स्किन तो हमारे फ्लिप इवेंट में आ चुकी है, पर ये जो ग्रेनाइट की स्किन है यार, ये अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है फ्री फायर के सर्वर में। तो यार मेरे हिसाब से आपको रात को, मतलब 12 बजे जो कल को आने वाला टॉप अप इवेंट, उसमें एक डायमंड के टॉप अप इवेंट में आपको ग्रेनाइट की स्किन देखने को मिल सकती है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो गाइस, क्योंकि जो ये उतरने वाला था मैंने आपको दिखा दिया, तो आ ही चुका ऑलरेडी। जो हमारा सेकंड टॉप अप इवेंट निकल कर आ रहा है भाई लोग, वो भी सिमिलर बिल्कुल इसी की तरह है, ठीक है। उसमें भी गाइस कहते हैं यही दे रखा है, आपको दिखा देता हूँ फोटो। तो भाई देख सकते हो 300 डायमंड में उसमें भी कहते हैं यही, मतलब उतरने का दे रखा है, मतलब जेट सा। इसके साथ साथ भाई इसमें अवतार और बैनर दे रखे हैं, आप देख सकते हो ऊपर, इसमें बस अवतार बैनर एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो भाई ये क्या, अवतार बैनर मेरे हिसाब से आएंगे तो काफ़ी कम ही है, मतलब उसके चांसेस है काफ़ी कम है अवतार बैनर के, ठीक है। क्योंकि अवतार बैनर आपने कभी बहुत ही कम नोटिस किया होगा, आपको क्या कहते हैं टॉप अप में देखने को मिले होंगे। तो अवतार बैनर के तो ज़्यादा चांसेस नहीं है, पर ग्रेनेड के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो गाइस बात करते हैं अपने, तो मेरे भाई लोग यार, जो अगला टॉप अप इवेंट निकल कर आ रहा है इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है यार ये एक कहते हैं इवेंट के बेसिस पे ही चल रहा है। मतलब ये देख सकते हो, ये गाड़ी की स्किन, ठीक है, जो फेथ इवेंट है उसकी गाड़ी की स्किन आप देख ही सकते हो, आपको दिखा सकता हूँ। तो भाई मतलब बिल्कुल ही लेजेंडरी स्किन नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ, लेजेंडरी नहीं होने वाली स्किन, ये बिल्कुल ही नॉर्मल सी स्किन होने वाली है, मतलब ब्लैक कलर की इसकी शेड दे रखी है। तो ग्रीन और ब्लैक के कहते हैं मतलब गाड़ी की स्किन होने वाली स्पोर्ट्स कार की। तो यार कमेंट करके जरूर बताना आपको ये स्पोर्ट्स कार कैसी लगी। यार मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगी स्पोर्ट्स कार, ठीक है, मतलब नॉर्मल है, जितना ज़्यादा अच्छी नहीं है, कुछ लेजेंडरी स्किन नहीं है। पर हाँ, अगर ये टॉप इवेंट में 100 डायमंड में आती है, 140 के डायमंड में आती है, तो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आराम से टॉप अप कर सकते हैं इतना, और हमें बिल्कुल ही फ्री में गाड़ी की स्किन देखने को मिल जाएगी। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कल रात को, मतलब 11 तारीख को आपको ये टॉप इवेंट भी काफ़ी देखने को मिल सकता है, ठीक है, इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। साथ में गाइस अभी आपको एक टॉप इवेंट दिखा देता हूँ, वो है गाइस सेम टू सेम इसी इवेंट पे थ्रू है, फेथ इवेंट पे ही। आप ये देख सकते हो ग्लू वॉल, ठीक है, देखो ये तो ऑलरेडी आ ही चुका है, आपने आपको नोटिस किया होगा, देखो ये तो हमें मिल ही चुका है, ठीक है, मतलब ये इसका तो आ ही चुका है ब्लू प्रिंट का भाई, ये है न्यू ग्लू वॉल, ठीक है। पर यार देखो सही बताऊँ तो मुझे हिसाब से ग्लू वॉल का यार काफ़ी कम चांसेस है कि आपको देखने को मिले, क्योंकि यार ग्लू वॉल का ऑलरेडी एक आया था अगर आपको पता हो तो, ठीक है, इस पर हयातो बना हुआ था, ठीक है। जब अब तुम सोचो यार, अगर कुछ एक दो हफ्ते पहले जब इन्होंने ऑलरेडी एक ग्लू वॉल का जब टॉप अप इवेंट दे रखा है, तो एक दो हफ्ते बाद ही कहते हैं ये ग्लू वॉल का टॉप अप इवेंट दे, तो मेरे हिसाब से इसके चांसेस कम बन रहे हैं, ये आपको किसी इवेंट में देखने को मिलने वाली है। पर यार जो ग्लू वॉल पर ये जो छोटे छोटे ढब्बे से है ना, मतलब बिल्कुल ही अच्छे नहीं लग रहे थे बताऊँ, मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही है, आप देख सकते हो, मतलब छोटे छोटे धब्बे से पता नहीं क्या क्या बने हुए इस पर, मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा, देखो अंदर से वो कितनी गंदी सी लग रही, देखो मतलब ग्लू वॉल भी मतलब इतना कुछ खास नहीं है। देखो सही बताऊंगा, देखो ना ही मुझे ग्लू वॉल अच्छी लगी ज़्यादा, ना ही मुझे गाड़ी की स्किन अच्छी लगी, क्योंकि यार जो दोनों डिसेंट है, मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ अच्छी, बहुत अच्छी है, भाई लेनी निकालनी वाली है। हाँ भाई अगर मतलब कम डायमंड में निकल जाती है तो भाई चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे यहाँ पे 200 डायमंड में आती है, अगर यहाँ पे हमारे सर्वर में 300 डायमंड तक आ जाती है या फिर किसी इवेंट में आ जाती है, कोई 100-200 डायमंड में निकल जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पर गाइस अगर इसके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा डायमंड लगते हैं, 500-1000, तो मेरे हिसाब से यार ये दोनों चीज़ें बेकार हैं, मतलब ग्लू वॉल ही बेकार है और क्या कहते हैं गाड़ी की स्किन भी बेकार है। तो भाई लोग यार, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस बढ़ते हैं अगले टॉपअप इवेंट की तरफ।
तो भाई लोग यार जो हमारा अगला टॉप अप इवेंट निकल कर आ रहा है गाइज, वो निकल कर आ रहा है ग्रीन फ्लेम ड्रैको से लेके। तो गाइज जो अपनी न्यू ड्रैको की लेजेंडरी स्किन आई है अपने फेरल व्हील में, उसी के बॉक्सेस दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हो उसके बॉक्सेस दिए जा रहे हैं यहाँ पे। मतलब अगर एक डैम का टॉप करोगे तो यार एक दो बॉक्सेस, 200 करोगे तो दो बॉक्सेस, ऐसे ही 500 तक अगर टॉपअप करोगे तो टोटल आपको यहाँ पे 10 बॉक्सेस दिए जा रहे हैं। तो यार आप मतलब क्या बताओ ये टॉप अप इवेंट मतलब अच्छा है या बेकार है? मेरे हिसाब से तो यार एवरेज, अगर जिसको कितने ड्रैको के लिए टोकन चाहिए उनके लिए ठीक है, पर यार जिसको नहीं चाहिए उसके लिए तो टॉप अप इवेंट बिल्कुल ही बेकार है। ठीक है, तो गाइज अभी हम बात करते हैं अगले टॉप अप इवेंट के बारे में। तो भाई लोग यार जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस मैं आपको वो टॉप अप इवेंट दिखा देता हूँ, वो है गाइज अपना पैट का टॉप अप इवेंट। ठीक है, तो गाइज इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है क्योंकि यार एक महीना हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अपना एडवांस सर्वर मतलब जो न्यू मतलब सर्वर आया था अपना, वो भी 27 का अपडेट आया था, पूरा एक महीना हो चुका है और एक महीने में अभी तक हमें क्या कहते हैं ये पैट देखने को नहीं मिला। जो न्यू कैरेक्टर थे हमें सारे देखने को मिल चुके हैं, स्काइलर जो भी थे, पर यार जो ये पैट है ठीक है अभी तक हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से यार आपको क्या कहते हैं कल रात को यानी 11 तारीख को आपको ये टॉप अप इवेंट देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको 100 डायमंड में पैट, 300 में पैट का इमोट और 500 में स्किन। ठीक है, तो गाइज ये देखो देखो 100 डायमंड में आपको ये वाला पैट मिल सकता है। ठीक है, ये पैट हो गया आपका, 300 डायमंड में आपको ये इमोट मिल सकता है। देख सकते हो ये टोपी में क्या कहते हैं वो रखता है और जादू दिखाते हो, ये जादू और ये देखो फोन आ गया। ठीक है, देखो इमोट में देखो क्या है, देखो ये टोपी में फोन घुसाता है अपना और कैप बंद कर लेगा। ठीक है, अब अपने हाथ मस लेगा और गर्दन से निकाल लेगा। ठीक है, तो गाइज ये है गाइज के मुझे मुंह से निकालता है ये, इसलिए लग रहा है खोपड़ी में कुछ है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, एलियन खोपड़ी खाली थी भाई। तो ठीक है, 100 डायमंड में ही हो गया, 300 में ही हो गया और 500 में इसकी स्किन हो गई। ठीक है, देखो स्किन देखो कई मस्त लग रही है, बिल्कुल चमकती हुई स्किन लग रही है। ठीक है, तो ये इसकी स्किन हो गई। तो 100, 300, 500 आपको ये भी देखने को मिल सकता है। तो गाइस बढ़ते अपने अगले टॉप अप इवेंट की तरफ। तो भाई लोग यार जो अगला टॉप इवेंट निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है गाइज न्यू क्या कहते हैं इमोट से लेके। ठीक है, ये जो मतलब ये जो इमोट है जिसमें क्या कहते हैं ये मतलब हाथ जोड़ता है, तो गाइज इसका भी क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको यार ये हाथ जोड़ने वाला इमोट देखने को मिल जाए न्यू टॉप इवेंट में, जिसमें 400 या 500 डायमंड के अंदर आपको ये मतलब इमोट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें ये कुछ नहीं करता मतलब ये हाथ जोड़ता है, बहुत ही अच्छा सा इमोट लगता है ये। तो भाई मुझे तो काफ़ी सही सा इमोट लगा, तो गाइज आपको ये वाला भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइज बढ़ते अपने अब क्या कहते हैं टॉप इवेंट के बारे में, मैंने बात करी ली जो जो आ सकते थे मैंने सब कुछ आपको बता दिए हैं, इनमें से आपको कोई ना कोई टॉप इवेंट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस बात करते हैं अपने न्यू ये कहते हैं एमोनेटेड सिन के बारे में। तो मेरे भाई लोग यार ये रही गाइस वो न्यू M187 की स्किन ग्रीन कलर की। आप देख सकते हो क्या ही ज़्यादा ओपी लग रही है भाई लोग ये स्किन, देख सकते हो मतलब बिल्कुल ही ओपी सी लग रही है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये एक लेजेंडरी रॉयल के अंदर हमें देखने को मिली है। ठीक है, इसमें एक स्टोन पर डायमंड वाउचर, 2 पे वेपन, 3 पे इंक्यूबेटर और 4 पे 5 इसको स्कार के बॉक्सेस और 5 पे आपको देखने को मिल जाएगी ये स्किन। इसके अंदर आपको यार जो डैमेज है वो ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, इसकी जो रिलोड स्पीड होगी ठीक है जो इसकी स्पीड होगी रिलोड करने की वो भी आपको डबल मिल जाएगी, पर जो यार जो उसकी मूवमेंट स्पीड होगी मतलब जब आप इसे लेकर चलोगे वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से यार ये जो गन है वो डिसेंट होने वाली है, ऐसा नहीं कि भाई बहुत ही ओपी होने वाली है, पर देखो अभी तो मुझे नहीं पता ना, अभी तो मैं इसे चला ही नहीं है तो मैं इसके बारे में यार ऐसा कोई ओपिनियन नहीं दूंगा कि जिससे आपको बुरा लगे। अभी जब तक मैं इसे निकाल ना लूँ आपको यूज़ ना कर लूँ तब तक मैं इसका कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। ठीक है, और गाइस अब बात करते हैं आप कब तक देने को मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्या कहते हैं आज संडे हो गया, मंडे से लेके अगले संडे के बीच में आपको देने को मिल जाएगी, या तो वो कल सुबह देने को मिल सकती है या फिर आपको ये फ्राइडे या थर्सडे को देने को मिल सकती है या फिर ट्यूसडे को भी देखने को मिलेगी। तो गाइस पर मेरे भाई लोगों का अंदर एक सवाल जरूर होगा कि भाई ये जो स्किन है ठीक है ये जो स्किन है भाई ठीक है हमें देखने को मिल जाएगी, तूने बता दिया भाई मिल जाएगी, पर ये क्या कहते हैं जो स्किन है इतनी ओपी सी स्किन ये कौन से इवेंट में आएगी? मेरे भाई लोग देखो लेजेंडरी रोल में तो इतना कम चांसेस है, मतलब लेजेंडरी रोल 50-50 हैं, पर 80% चार्जेस हैं रोल द डाइस इवेंट के, क्योंकि आपको अब पता होगा तो यार जितनी भी 3 से 4 स्किन आई हैं पहले की लेजेंडरी वाली वो सारी की सारी ठीक है ए से लेके जेड तक सारी की सारी वो आई थी भाई लोग सबसे पहले अपनी ये कहते हैं रोल द डाइस इवेंट में। तो मेरे हिसाब से जो ये स्किन है ये भी रोल द डाइस इवेंट में आपको एक वन वीक के अंदर अंदर देने को मिल जाएगी। होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया ना तो भाई लोग एक लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल में जो बेल आइकन आ रहा है यार उसे प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना जिससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो यार वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को शेयर कर देना मेरे दोस्तों को भाई लोग यार, और लाइक भाई करते नहीं है मुझे पता है आजकल यार लाइक बहुत कम आते हैं, तो भाई लोग इस वीडियो का लाइक कम रखते हैं 2K लाइक्स का आई होप आप करवा दोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, सी यू, टाटा।